हेलो एवरीवन शाला सो आज के इस वीडियो से बच्चों अपने एक यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सो so, यहाँ पे इस वीडियो के अंदर अपन सिर्फ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं इस यूनिट का समझने वाले हैं कि भाई कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी में करेक्ट अब सबसे बड़ी बात ये होती है अपन को समझना ये है कि भाई इकोनॉमी क्या होती है इकोनॉमी क्या होती है अपन हमेशा इस वर्ड के बारे में अपन पढ़ते हैं समझते हैं काफी बार ये टर्म हमारे सामने आती है इकोनॉमी क्या होती है इकोनॉमी सो so, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है जहाँ पे कंजम्पशन होता है जहाँ पे ट्रेडिंग होती है ठीक है so, सो हमारी इकोनॉमी में ये सारी चीजें होती है हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन भी होता है ठीक है so, सो यहाँ पे क्या होता है प्रोडक्शन भी होता है ठीक है प्रोडक्शन यानी कि गुड्स एंड सर्विसेस बनती है यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं ठीक है थीके? दूसरी चीज यहाँ पे कंजम्पशन होता है ठीक है कंजम्पशन किस लिए होता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए होता है ठीक है और यहाँ पे क्या होती है थर्ड चीज जो होती है विच इज ट्रेडिंग ठीक है सो ट्रेडिंग भी इकोनॉमी का एक पार्ट होता है ना और ये सारी चीजें मिलकर के क्या बनाती है एक पर्टिकुलर इकॉनमी बनाती है करेक्ट तो बच्चों अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है कि ये जो इकॉनमी है इसके अंदर बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं क्या होती हैं बहुत सी एक्टिविटीज ओके okay? अब इन एक्टिविटीज को है ना अपन तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अब ये एक्टिविटीज क्यों होती हैं ये एक्टिविटीज इसलिए होती हैं ताकि ये जो इकोनमी है ये चलती रहे ठीक है इस इकोनॉमी में प्रोडक्शन भी चलता रहे कंजम्पशन भी चलता रहे ट्रेडिंग भी चलती रहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी इस इकोनॉमी में चलता रहे ठीक है इसी वजह से इस इकोनॉमी में काफी एक्टिविटीज होती हैं। अब बच्चों इन एक्टिविटीज को अपन तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सबसे पहली होती है प्राइमरी ओके प्राइमरी एक्टिविटी सेकेंड नंबर पे आता है सेकेंडरी सेकेंडरी एक्टिविटी एंड थर्ड नंबर पे आता है टर्शरी टर्शरी एक्टिविटीज ओके सो इकोनॉमी के अंदर बहुत सी एक्टिविटीज होती है इन एक्टिविटीज को अपन ने मेजरली तीन पार्ट में डिवाइड किया है सबसे पहली होती है हमारी प्राइमरी एक्टिविटी सो प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ ठीक है इंट्रोडक्शन दे रही हूँ यहाँ पे आपको इस पूरी यूनिट और उसके बाद भी हमारे पास में कुछ नोट्स है तो अपन उसको भी पढ़ेंगे ठीक है so, सो बच्चों प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे अपन क्या करते हैं अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं है ना नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं अपने उनको अपन यूज करते हैं ठीक है थीके? यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके हम क्या करते हैं एक्टिविटी करते हैं ठीक है इसके अंदर आप एग्जाम्पल के थ्रू इसे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जैसे कि एग्रीकल्चर ठीक है एग्रीकल्चर में क्या होता है हम लैंड का यूज लेते हैं ठीक है हम उसके अंदर हम वाटर का यूज लेते हैं सनलाइट का यूज लेते हैं और ये सारी चीजें क्या है ये सारी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है तो कुल मिलाकर के प्राइमरी सेक्टर के अंदर हम सभी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज में लेते हैं और यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ठीक है फिर आता है अपने पास में सेकेंडरी सेक्टर सो बच्चों सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या होता है हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को जो भी हमने यहाँ पे एक्टिविटी करी है उसके बाद में हमारे पास में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आया होगा ठीक है अब उस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं ठीक है सो सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर एक वर्ड आता है विच इज मैन्यू फैक्चरिंग ठीक है तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो जैसे हमने एग्रीकल्चर किया ठीक है हमने लैंड का यूज लिया हमने वाटर का यूज लिया, हमने 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 सनलाइट की यूज लिया, हमने यूज लिया सीड्स को किया फर्टिलाइजर्स का यूज किया तो ये सब करने के बाद में हमने एग्रीकल्चर किया ठीक है या फिर हमने फिशिंग करी हमने माइनिंग करी तो इन सभी चीजों में हम क्या कर रहे हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं करेक्ट सो so, यहाँ पे सपोज करो हमने एग्रीकल्चर किया और हमने व्हीट प्रोड्यूस किया है ठीक है हमने क्या प्रोड्यूस किया है यहाँ पे एग्रीकल्चर करने के बाद में अपन ने यहाँ पे सपोज वीट प्रोड्यूस किया है ओके okay, अब यहाँ पे ये यह वीट जो है वो कहाँ आएगा वो जाएगा इंडस्ट्रीज में ओके सो ये वीट कहाँ जाएगा ये जाएगा फैक्ट्रीज में यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी और मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में हो सकता है इस वीट से हम क्या कन्वर्ट कर दें इस वीट से हम आटा बना दें ठीक है तो इस वीट से हम क्या बना देंगे फ्लोर ओके okay, फिर क्या होता है फिर आती है हमारी टर्शरी एक्टिविटीज so, देखो टर्शरी एक्टिविटीज क्या होती है बच्चों इसके अंदर अपन प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को थोड़ा सा डेवलप करते हैं ठीक है सो so, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूं डेवलप डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी ठीक है अब आप सोचोगे डेवलपमेंट कि किस तरीके से करते हैं अपन इन दोनों सेक्टर्स uh, का सो so, बच्चों डेवलपमेंट कैसे होता है कि अपन क्या करेंगे जैसे यहाँ पे अब इस आटे को हमें लोगों तक पहुंचाना होगा और उसके लिए हमें क्या चाहिएगा हमें ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज चाहिए होंगी हमें कम्युनिकेशन की सर्विसेज हमें चाहिए होंगी ठीक है सो तो कुल मिलाकर के जितनी भी सर्विसेज होती हैं ठीक है चाहे फिर वो डॉक्टर की सर्विस हो चाहे फिर वो टीचर की सर्विस हो चाहे फिर वो लॉयर की सर्विस हो चाहे फिर वो ट्रांसपोर्ट सर्विस हो कम्युनिकेशन सर्विस हो और किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की कोई सर्विसेज हो तो ये सारी की सारी जो सर्विसेज हैं वो कहाँ पे आती हैं वो आती है आपके थर्ड सेक्टर में या फिर आप कह सकते हो थर्ड जो आपकी एक्टिविटी है उसके अंदर विच इज टर्शरी एक्टिविटीज ठीक है सो टर्शरी एक्टिविटीज को अपन और किस नाम से जानते हैं इसको अपन सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं सर्विस सेक्टर ओके वही आपका जो सेकेंडरी एक्टिविटीज है इनको अपन किस नाम से जानते हैं इनको अपन इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से जानते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर ठीक है और प्राइमरी एक्टिविटीज कहां पे होती हैं इसको अपन किस नाम से जानते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर ठीक है सो आई होप कि यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आई होगी सबसे पहला जो सेक्टर होता है वो होता है हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर इसके अंदर अपन प्राइमरी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जिसके अंदर अपन नेचुरल रिसोर्सेज को बच्चों यूज करते हैं ठीक है नेचुरल रिसोर्सेज को अपन एक्सप्लॉइट करते हैं अपन उनको यूज करते हैं और अपन क्या करते हैं एक प्रोडक्ट हम निकालते हैं ठीक है जैसे सपोज अपन ने क्या किया अपन ने शुगर केन उगाई ठीक है अब वो शुगर केन कहा जाएगी वो जाएगी इंडस्ट्रीज में ठीक है फिर उससे क्या बनेगा गुड़ बनेगा है ना तो यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर अपन ने क्या किया शुगर केन अपन ने उगाई है ठीक है गन्ने अपन ने उगाए हैं फिर अपन कहाँ पे लेके जाएंगे इसको बच्चों अपन इसको लेके जाएंगे फिर सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर यानी कि हम सेकेंडरी एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म करवाएंगे है ना यानी कि अपन कहा लेके जाएंगे इंडस्ट्रीज में लेके जाएंगे किसके लिए इसको गुड़ में कन्वर्ट करने के लिए करेक्ट फिर क्या होगा कि फिर हमारे पास में जो भी प्रोडक्ट हमारे पास में बन के तैयार होता है फिर उसको अपन लोगों तक पहुंचाते हैं है ना तो वो सारी जो भी सर्विसेज होंगी वो सारी आपकी टर्शरी सर्विसेज में इंक्लूडेड होंगी ठीक है सिर्फ इसमें ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होता है इसमें जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो सारी की सारी इसमें आपकी इंक्लूडेड रहती है ठीक है सो ये सारा आपका इंट्रोडक्शन पोर्शन है और अब इसको अपन नोट्स के थ्रू थोड़ा सा समझते हैं करेक्ट तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि तीन सेक्टर्स हैं प्राइमरी सेक्टर है ये ये सेकेंडरी सेक्टर है और ये टर्शरी सेक्टर है ठीक है प्राइमरी यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर दिस इज योर इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड दिस इज योर सर्विस सेक्टर ठीक है चाहे आप इसे सर्विस सेक्टर के नाम से या इसको टर्शरी सेक्टर के नाम से कहिए बात एक ही है है ना यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सभी तरीके की सर्विसेज हैं डॉक्टर की भी सर्विस है यहाँ पे यहाँ पे वेटर की भी सर्विसेज है यहाँ पे पायलट की भी सर्विस है यहाँ पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज है यहाँ पे फायर ब्रिगेड वालों की सर्विस है ठीक है टीचर की सर्विस है तो जितनी भी सर्विसेज है हमारी इकोनॉमी में वो सारी की सारी किसका पार्ट होती है टर्शरी सेक्टर का पार्ट होती है करेक्ट अब इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं द एक्टिविटीज विच आर कंडक्टेड टू अर्न मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ठीक है activities economic activities, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? ये वो एक्टिविटीज होती हैं जिससे हम क्या कमाते हैं जिससे अपन पैसा कमाते हैं जिससे अपन मनी अर्न करते हैं ठीक है थीके? अभी अपन ने समझा था सो so, एक्टिविटीज क्या होती हैं जिससे अपन मनी अर्न करते हैं ओके okay? अब मनी तो अपन एग्रीकल्चर से भी अर्न करते हैं मनी अपन इंडस्ट्रीज के थ्रू भी अर्न करते हैं और सर्विसेज के थ्रू भी अपन मनी अर्न करते हैं सो सम एक्टिविटीज आर कंडक्टेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अब कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए की जाती हैं ठीक है सो वाइल सम आर परफॉर्म्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज सो कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं और कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि उन गुड्स uh, को और उन सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाती हैं, ठीक है थर्ड वन इज सेक्टर डिफाइन्स अ लार्ज सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी इन विच बिजनेस शेयर द सेम और द रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज ठीक है सो so, यहाँ पे अगर, अगर अपन जब भी सेक्टर की बात करते हैं किसी भी सेक्टर की है जब अपन बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है अपन जैसे प्राइमरी की बात करें या फिर सेकेंडरी की बात करें या टर्सरी की बात करें तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि प्राइमरी में सिर्फ कुछ ही लोग उसके में अंदर इन्वॉल्व होंगे नहीं बहुत ज्यादा लोग हर सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं है ना अगर आप लोग इस चीज़ को बहुत करीब से समझना चाहते हैं तो जैसे अगर आप अपने आस पड़ोस में देखेंगे तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि खेती बाड़ी करते हैं बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि खुद का बिजनेस होगा उनका है ना इंडस्ट्रीज होंगी इंडस्ट्री में काम करते होंगे कुछ ऐसे लेबर होगी जो कि इंडस्ट्री में काम करने जाती होगी और कुछ ऐसे लोग होंगे जैसे आपके घर में आपके पापा ऑफिस जाते होंगे मम्मी टीचर होंगी है ना तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं आपके आस पड़ोस में जो की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं ठीक है सो so अपने आस अपनी पूरी इकोनमी में ये सभी लोग क्या कर रहे हैं ये मनी अर्न कर रहे हैं ठीक है ये सभी मनी अर्न किस तरीके से कर रहे हैं इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करके ये लोग मनी अर्न कर रहे हैं ठीक है और इसके अलावा आपके आसपास जितनी भी लोग और जो भी एक्टिविटीज वो कर रहे हैं वो इन तीनों क्राइटेरिया के अलावा आप आप उनको कहीं पे भी आप, आ, मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो या तो एक्टिविटी वो प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड होगी या फिर वो सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड होगी या फिर वो टर्शरी सेक्टर से रिलेटेड होगी ठीक है इसके अलावा और कोई किसी भी तरीके की एक्टिविटी हमारी इकोनॉमी में नहीं की जाती है करेक्ट सो so,

प्राइमरी सेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं ठीक है जहां पे हम क्या कर रहे हैं एनिमल्स के थ्रू हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ओके फिर आता है अपना सेकेंडरी सेक्टर तो ये अपने आप में एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसको अपन इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग इसका एक पार्ट होती है और फिर अपनी सर्विस सेक्टर आती है या फिर टर्शरी सेक्टर जिसे अपन कहते हैं करेक्ट नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर द एक्टिविटी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आर द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ठीक है सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कितने अपन ने सेक्टर्स के बारे में बात करी है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी तीन सेक्टर्स के बारे में अपन ने यहाँ पे बात की है करेक्ट अब एक एक करके इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं सो प्राइमरी सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है या फिर प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती हैं आप एक्टिविटीज और सेक्टर्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि दोनों ही यहाँ पे एक ही चीज डिनोट कर रही है ठीक है सो जैसे प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर आ जाता है ठीक है फॉरेस्ट्री आ जाती है यहाँ पे फिशिंग आ जाती है माइनिंग आ जाती है आ, जो एनिमल से रिलेटेड जो भी काम होता है वो सारा यहाँ पे आता है ठीक है सो आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये सारा हमारा क्या है नेचर है ठीक है फॉरेस्ट्री माइनिंग फिशिंग ये सब क्या हमें नेचर से मिलता है वैसा तो है नहीं कि फिश किसी आदमी ने बनाई है इट इज अ मैन मेड नो इट इज गिवन बाय द नेचर ठीक है नेचर में अपन को जो भी मिला है उससे अपन ने एग्रीकल्चर किया है एनिमल हस्बेंड्री जो अपन करते हैं ठीक है तो ये सारी चीजें किसका पार्ट होती है ये सारी की सारी चीजें प्राइमरी एक्टिविटीज का पार्ट होती है सो द सेक्टर इन विच गुड्स आर प्रोड्यूस बाई एक्टिंग ने वो सेक्टर जिसके अंदर जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं किस तरीके से प्रोड्यूस हुए हैं नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके ठीक है नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं प्राइमरी सेक्टर के नाम से जानते हैं

जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया एग्रीकल्चर हो गया डेरी हो गया फिशिंग हो गया माइनिंग हो गया एटसेट्रा ठीक है सो so, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है ओके okay? आगे बढ़े सो so, फिर आता है अपना दूसरा सेक्टर इज सेकेंडरी सेक्टर ओके सो सेकेंडरी सेक्टर को अपन और किस नाम से जानते हैं बच्चों इसको अपन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जानते हैं सो द सेक्टर इन विच गेट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर आर चेंज इन टू अन फॉर्म तो इस सेक्टर के अंदर क्या होता है जैसे सपोज करो प्राइमरी प्रोडक्ट प्राइमरी एक्टिविटीज से अपन को प्रोडक्ट मिला वीट ठीक है अब इस इस को को अपन अपन क्या करेंगे इस को करेंगे मैन्युफैक्चर ठीक है और अपन क्या बना देंगे फ्लोर ओके या फिर सपोज करो जैसे डेरी का कोई प्रोडक्ट है पनीर है ठीक है तो पनीर से अपन ने पनीर को अपन ने मैन्युफैक्चर किया फिर अपन ने क्या बना दी उसकी पैटीज बना दी ठीक है तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं अपन ले रहे हैं प्राइमरी जो हमारे एक्टिविटीज है प्राइमरी सेक्टर जो है उसका अपन प्रोडक्ट ले रहे हैं उसको अपन क्या किसके अंदर चेंज कर रहे हैं अपन उसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहे हैं किसकी हेल्प से मैन्युफैक्चरिंग की हेल्प से ठीक है और इसी को अपन सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जानते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर अब इसको अपन और किस नाम से जानते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी इसको अपन जानते हैं करेक्ट सो so, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है जैसे यहाँ पे आप फोटोज के थ्रू अगर समझना चाहो तो ये सारी क्या है अपनी इंडस्ट्रीज हैं ठीक है तो so, यहाँ पे इन इंडस्ट्रीज के थ्रू हम क्या कर रहे हैं प्राइमरी प्रोडक्ट को या प्राइमरी एक्टिविटीज से जो मिले हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको अपन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसी दूसरे तरीके के गुड्स में करेक्ट ओके okay. फिर फॉर एग्जांपल भी है यहाँ पे यार्न एंड क्लॉथ वीविंग फ्रॉम कॉटन फाइबर अब कॉटन प्लांट होता है कॉटन फाइबर होता है उससे अपन क्या करते हैं यान

ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग चल रही है यहाँ ओके नाउ फिर आता है हमारा लास्ट सेक्टर विच इज टर्शरी सेक्टर सो दिस सेक्टर दैट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अपन ने बात करी थी कि जो जिस सेक्टर के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का क्या होता है बच्चों डेवलपमेंट होता है उसी को अपन टर्शरी सेक्टर के नाम से जानते हैं इसको अपन एक और नाम से जानते हैं विच इज सर्विस सेक्टर ओके okay, इसको अपन सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं एग्जाम्पल बैंकिंग ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ठीक है बहुत सी या फिर जितनी भी सर्विसेज आप ले लो वो सारी की सारी सर्विसेज यहाँ पे मैं लिख देती हूं एंड ऑल सच सर्विसेज तो ये सारी की सारी सर्विसेज किसका पार्ट होती है ये पार्ट होती है टर्शरी सेक्टर का ओके okay, इसको अपन सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं ठीक है आप टर्शरी सेक्टर की अगर आ, फोटो से आप समझना चाहें तो ये देखिए ये सारी सर्विसेज जो हैं ये सब किसका पार्ट जैसे डॉक्टर की सर्विस हो गई ठीक है ये सारी की सारी टूरिज्म हो गई सारी की, की सर्विसेज जो है वो टर्शरी सेक्टर का पार्ट है ओके सो आई होप कि तीनों ही सेक्टर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे तीनों ही एक्टिविटीज आपको अच्छे से समझ में आई होंगी अगर कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना थैंक यू सो मच